हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर कैसे बनाना है। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बात की है कि अपॉइंटमेंट लेटर एक्चुअली क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपॉइंटमेंट लेटर बनाते कैसे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं और कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन ही होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जॉब लोकेशन मेंशन किया जाना चाहिए कि कहाँ आप जॉब करेंगे, कहाँ पे आप कार्यरत होंगे, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन आपका मेंशन किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर जो अगला आता है वो है रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे। अगर आप स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या आप डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, क्या आप सीईओ को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो किस मैनेजर को आप रिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है कंपनसेशन, कंपनसेशन या फिर सैलरी पार्ट। तो आपकी जो सैलरी कितनी होने वाली है, ठीक है, साल की सैलरी यहाँ पे मेंशन की जाती है जो कि सीटीसी में आता है, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं। अगर सीटीसी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने सैलरी कंपोनेंट का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जरूर देखें, वहाँ से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो बेनिफिट्स, बेनिफिट्स से मेरा मतलब है यहाँ पे कि कंपनी आपको और क्या क्या बेनिफिट दे रही है। क्या वो हेल्थ बेनिफिट दे रही है, ठीक है, क्या वो आपको सुरक्षा कूपन्स दे रही है फूड के लिए, ठीक है। तो जो भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी मेंशन किए जाते हैं। फिर अगला आता है वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप जो है वीकली कितना वर्क करोगे, ठीक है, कितने आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं। फैक्ट्रीज में अलग होता है, कॉर्पोरेट्स में अलग होता है, तो कितने घंटे आप काम करोगे, ठीक है, क्या आपको ओवर टाइम भी करना है, ठीक है, और ओवर टाइम के आपको कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। फिर उसके बाद आता है वर्किंग डेज, क्योंकि बहुत सारी जो आजकल की आईटी कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट्स हैं वहाँ पे 5 डेज वर्किंग होता है, ठीक है। तो ये भी मेंशन किया जाता है कि आप मंडे से फ्राइडे तक काम करेंगे या फिर आप मंडे से सैटरडे तक 6 दिन काम करेंगे, तो ये प्रॉपर चीज़ें मेंशन होती हैं। फिर अगला आता है कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशन, जो कंपनी के टर्म्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी होता है कंपनियों में, तो मतलब इससे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आपको जो कंपनी की जो लीगल चीज़ें हैं या फिर जो कंपनी का मेन जिस पे वो काम करते हैं, फोकस करते हैं, वो आपको बाहर रिवील नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती हैं अपॉइंटमेंट लेटर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सैंपल देखते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर दिखता कैसे डालना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है, यहाँ इनकम टैक्स आपका मेंशन है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप कितने दिन काम करेंगे वो मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे आपने आपको क्या क्या दिया जा रहा है ये आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोबेशन पे कितने दिन रहेंगे ये मेंशन किया गया है, 6 मंथ के प्रोबेशन पे आप रहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप आगे चलें तो यहाँ पे अब प्रोबेशन पीरियड पे अगर आपको टर्मिनेट किया जाता है तो वो भी यहाँ पे क्लॉज दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैंडेटरी होती हैं जो आपको बताई जानी चाहिए, जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो है एक्चुअली मेंशन होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कहाँ पे काम करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है। आप नोटिस पीरियड कितना सर्व करोगे वो भी मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद आप नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे लास्ट में आएँ तो लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका वर्किंग आवर्स दिया हुआ है, ठीक है, कि कितने देर आप एक्चुअली कंपनी में काम करोगे या क्या बोलते हैं, कितने समय आपको आना है, देन कितने समय आप कंपनी से जाओगे ऑफिस से, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन होती हैं। तो चलिए अब लास्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ लास्ट के पेज में भी यही दिया हुआ है कि आपको जो कंपनी का क्लॉज है कि आपको बाहर कहीं पे आपको मेंशन नहीं करना है कंपनी के बारे में, कंपनी के जो डिटेल्स हैं उनको नहीं मेंशन करना है। फिर ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एनडीए के बारे में बताया, जिसको हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बोलते हैं या नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट बोलते हैं, तो इस ये क्लॉज वही कहलाता है कि आप जो भी कंपनी के सीक्रेट्स हैं या जिस भी फील्ड में कंपनी काम करती है तो आप उनके कंपटीटर को ये ना बताएं या बाहर के लोगों को आप ना बताएं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। फिर उसके बाद यहाँ लास्ट में जो है लीव्स वगैरह के बारे में बात की गई है, ठीक है, रूटीन वर्क आवर्स और जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं थोड़ी सी वो एचआर हैंडबुक में मेंशन की जाती हैं। एचआर हैंडबुक के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एचआर हैंडबुक में बेसिकली क्या क्या होता है, ठीक है। जब आप जाते हैं तब आप जब आपका इंडक्शन होता है तब आपको एचआर हैंडबुक दिया जाता है पढ़ने के लिए,
ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर होता है, जो भी आपको ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जो भी दे रहे हैं उन सिग्नेटरी का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, फिर उनका नाम, फिर यहाँ पे आपका नाम आएगा, इधर में आपका नाम आएगा, आपका सिग्नेचर और डेट आएगा, फिर जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनका नाम और नाम आएगा और यहाँ पे डेट आएगा। ठीक है, तो ये सैम्पल होता है दोस्तों बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की गई है कि ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफर लेटर अलग चीज़ होती है, अपॉइंटमेंट लेटर अलग चीज़ होता है। तो वही उसी का डिफरेंस मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है आपको। सबसे पहली चीज़ ऑफर लेटर क्या होता है, ये जैसे ही आपको दिया जाता है इट्स अ काइंड ऑफ क्या बोले, जब आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तभी आपको ऑफर लेटर जो है दे दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन जब अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तब आपको मिलता है, उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो होता है, ऑफर लेटर को हम एज एन इनविटेशन मान ले सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट करता है हम अपने साथ काम करने के लिए। ठीक है, जहाँ पर जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो एक तरह का जो है डिटेल जो है उसमें मेंशन किया जाता है। जब आप कंपनी ऑलरेडी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आपका उनके पूरा कंपनी का डिटेल मेंशन किया जाता है, जो भी अभी डिटेल्स हमने मेंशन की पीछे। फिर उसके बाद कंपनी की पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स मेंशन किए जाते हैं जिसको आप ब्रीच ना करें। तो इसलिए ये अपॉइंटमेंट लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला आता है वो है कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑफर लेटर। बहुत प्रकार के ऑफर लेटर होते हैं जो है, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 7 काइंड ऑफ ऑफर लेटर जो कि होते हैं। और अगर हम अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बात करें तो 3 प्रकार के अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं, इनके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। और जो आखिरी है, दोनों ही डॉक्यूमेंट जो है कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो ऑफर लेटर हो चाहे वो अपॉइंटमेंट लेटर हो, दोनों ही डॉक्यूमेंट जो है कैंडिडेट्स को संभाल के रखने चाहिए और उसके बेसिस पे ही वो लीगल तौर पे कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में मैंने बताने की कोशिश की है कि कितने प्रकार के ऑफर लेटर होते हैं या कितने प्रकार के अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 6 प्रकार के जो हैं ऑफर लेटर होते हैं और 3 प्रकार के अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफर लेटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल ऑफर लेटर आता है, फिर दूसरा इनफॉर्मल ऑफर लेटर आता है, फिर टेम्परेरी ऑफर लेटर टू परमानेंट ऑफर लेटर आता है, फिर इंटरनल जॉब ऑफर लेटर आता है, फिर सेल्स जॉब ऑफर लेटर आता है, फिर डेवलपमेंट या डेवलपर ऑफर लेटर आता है। अगर मैं एक एक करके सबकी बात करूं तो जो फॉर्मल ऑफर लेटर होता है बेसिकली वो ऑफर लेटर होता है जिसको कंपनी जब किसी कैंडिडेट का चयन कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है, उसके बाद जब उसको प्रॉपर जो इसमें लेटर हेड पे जो आपको ऑफर लेटर मिलता है, ठीक है, उसको हम फॉर्मल ऑफर लेटर बोलते हैं। जो इनफॉर्मल ऑफर लेटर होता है वो ऑफर लेटर होता है जो कि आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपको ऑफर लेटर जो फॉर्म किया जाता है ईमेल के थ्रू, और जो ईमेल के थ्रू भेजा जाता है वो आपका इनफॉर्मल ऑफर लेटर होता है। ठीक है, और इनफॉर्मल ऑफर लेटर को भी आप प्रॉपर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मल ऑफर लेटर मिलता है तो वो ज़्यादा कंसिडरेबल माना जाता है। तो कोशिश करें कि किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अगर आपको इनफॉर्मल ऑफर लेटर तुरंत भेज दिया जाता है तो 1-2 दिन के बाद आप तुरंत एचआर से कॉन्टैक्ट करके फॉर्मल ऑफर लेटर भी जरूर ले लें। फिर हम अगले में चलते हैं। तो टेम्परेरी ऑफर टू परमानेंट ऑफर लेटर होता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि किसी एम्प्लॉय को कंपनी ऑफर करती है टेम्परेरी बेसिस के लिए जॉब करने के लिए, देन उसके बाद जब उसका काम अच्छा लगता है, जैसे वो थोड़े समय काफ़ी अच्छा काम करता है, फिर कंपनी को लगता है कि नहीं इसको हम पूरी तरह से परमानेंट जॉब ऑफर लेटर दे देते हैं, तो जब वो उसको परमानेंट ऑफर लेटर दिया जाता है तो नया ऑफर लेटर बनता है। ठीक है, तो इसको हम टेम्परेरी ऑफर लेटर टू परमानेंट ऑफर लेटर बोलते हैं। फिर अगला आता है इंटरनल जॉब ऑफर लेटर। इंटरनल जॉब ऑफर लेटर बेसिकली होता है जब किसी पर्सन को जो कंपनी में ही काम कर रहा है वो किसी दूसरे डेजिग्नेशन पे काम करने जाता है, तो जब वो किसी दूसरे डेजिग्नेशन में काम करने जाता है, इसको हम IJP बोलते हैं, इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, तो जब इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है तो उसको एक दूसरा ऑफर लेटर जनरेट करके दिया जाता है इंटरनली, जिसको हम इंटरनल जॉब ऑफर लेटर बोलते हैं। फिर अगला आता है सेल्स जॉब ऑफर लेटर। सेल्स जॉब ऑफर लेटर इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों कि क्योंकि जो सेल्स का ऑफर लेटर होता है उसमें आपका प्रॉपर मेंशन किया जाता है कि आपको जो है ये टारगेट है, ये आपका इंसेंटिव रहेगा,
ठीक है, तो ये सेल्स के टारगेट और इंसेंटिव के बेसिस पे जो ऑफर लेटर बनता है उसको हम सेल्स ऑफर लेटर बोलते हैं। फिर अगला आता है डेवलपर ऑफर लेटर। डेवलपर ऑफर लेटर भी इसी प्रकार का एक पर्टिकुलर डेवलपर्स के लिए ऑफर लेटर होता है, जिसमें आप उनकी टेक्नोलॉजी मेंशन करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे वो काम करेंगे और क्या क्या टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मेंशन की जाती हैं, इसलिए ये डेवलपर जॉब ऑफर लेटर होता है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 6 प्रकार के ऑफर लेटर होते हैं दोस्तों। वही अगर हम अपॉइंटमेंट लेटर की बात करें तो 3 प्रकार के अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट लेटर। जो फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है जिसमें कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जब उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है तो ये एक फिक्स टर्म के लिए होता है। मैक्स टू मैक्स ये 2 साल तक के लिए टर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। ठीक है, देन अगला आता है टेम्परेरी टर्म अपॉइंटमेंट लेटर। तो टेम्परेरी टर्म अपॉइंटमेंट लेटर वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है जिसमें कैंडिडेट जो है 1 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, 1 साल के अंदर ही अंदर उसका जो है अपॉइंटमेंट लेटर का उसकी जॉब का जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाता है, तो उसको हम टेम्परेरी टर्म अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो आता है कंटिन्यूएशन अपॉइंटमेंट लेटर। कंटिन्यूएशन अपॉइंटमेंट लेटर वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है जिसमें आप का जो वर्किंग आवर्स है, ठीक है, पूरे हफ्ते में वो 35 to 40 होना ही चाहिए, तो इसको हम कंटिन्यूएशन अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यही था दोस्तों आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर कैसे बनाना है उसके बारे में समझ आया होगा, और ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर में जो भी डिफरेंसेस मैंने बताए हैं उनको उनके बारे में आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। और फिर टाइप्स ऑफ ऑफर लेटर जो मैंने बताया वो आप लोगों को समझ में आएगा, और टाइप्स ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों को समझ आएगा। तो होप करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इससे आपको क्या है नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो नया वीडियो मैं डालता हूँ उसके बारे में आ जाएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर अल्टरनेट डे पे जो है आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल वीडियो डालूँ एचआर से रिलेटेड, जो एचआर के इश्यूज़ हैं जो आम जनता फेस करती है उनको उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो होप करता हूँ मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों। इसके साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।